हे गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में क्या अंतर है इसके बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखना। इसके पहले हम लोगों ने ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया था। आई होप आपको वो वीडियो भी काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी की सारी जानकारी मिल पाए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, अगर आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर चाहिए, अगर आपको 24 सपोर्ट चाहिए 24/7 आपको अपने कोर्स के रिगार्डिंग, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको हमारे तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना है। इस तरीके से आपको रेड कलर से दिखाई देगा, रेड कलर से आपको क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे बेल आइकन को दबाने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है और साथ ही साथ उसके बाद आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और हमारा जो इग्नू बीकॉम का प्रोग्राम है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे छोटा सा एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करने के बाद जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी जो भी आपके दिमाग में होंगी, एनी हेल्प रिगार्डिंग योर एडमिशन रिगार्डिंग योर असाइनमेंट रिगार्डिंग योर फॉर्म फिलअप जो भी एडमिशन का होगा या एक एग्जामिनेशन का होगा, वो हर एक चीज के बारे में आपको जो हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल की तरफ से। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछ रहे थे कि सर हम इन सारे वीडियोस को यू नो वन बाय वन कैसे देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल पे आना है कॉमर्सी पाठशाला। यहाँ पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ढेर सारी चीजें यहाँ पे निकलेंगी, इग्नू एम कॉम, इग्नू बी कॉम न्यू, इग्नू बी कॉम पुराना वाला और कॉमर्स सीबीएसई 11-12। तो आपको इग्नू बी कॉम न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बीसीओसी 131 से लेकर के 184 BCOS और उसके बाद जो थर्ड ईयर के सिलेबसेस हैं वो भी जैसे ही आएंगे उनके ऊपर भी वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। तो आपको आपको इग्नू बीकॉम न्यू पे आना है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर को मिला करके। यहाँ पे ढेर सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप उन सबको वॉच कीजिए, आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में जो कि हमारा होने वाला है डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, है ना। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, माफी चाहूंगा। तो मोटिवेशन, एलिमेंट्स ऑफ कंपैरिजन की अगर बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट है मोटिवेशन का, है ना। तो ई कॉमर्स में हमारा मोटिवेशन होता है मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना हमारा मेन मोटिव होता है। ई गवर्नेंस में मैक्सिमाइज सोशल यूटिलिटी क्रिएट ई पार्टिसिपेशन। ई गवर्नेंस में हमारा जो मेन ध्यान होता है वो ये होता है कि हमारी जो सोशल यूटिलिटी है उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल हो सके, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें हो पाए। दूसरा जो मोटिवेशन का पॉइंट है वो ये है कि कॉस्ट रिडक्शन ऑफ सर्विस डिलीवरी, है ना। तो जो सर्विस डिलीवरी है उसका कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। ई कॉमर्स में हमारा मोटिवेशन ये होता है कि हम किसी तरीके से अपने जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी उसका जो कॉस्ट है उसको किसी तरीके से रिड्यूस किया जा सके। कॉस्ट रिडक्शन ऑफ सर्विस डिलीवरी, यहाँ पे भी देखो सेम है, ई गवर्नेंस में भी हमारा सेम मोटिव रहता है कि हम जो है कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए, है ना। तीसरा पॉइंट है ऑटोमेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेस, ऑटोमेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेस ई गवर्नेंस में भी सेम है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन जो हमारा मेक प्रॉफिट है, यहाँ पे सोशल, यहाँ पे मेक प्रॉफिट किसके लिए, बिजनेस के लिए और अपने लिए, है ना। लेकिन ई गवर्नेंस में जो भी उनका मोटिव होता है वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और जो यूटिलिटी है उसका इस्तेमाल जो है ठीक तरीके से हो पाए, जो भी रिसोर्सेज है उसका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए। बाकी सारे के सारे दोनों पॉइंट जो है वो सारे दोनों सेम है, है ना। यहाँ पे भी कॉस्ट रिडक्शन की बात की जा रही है सर्विस डिलीवरी में, यहाँ पे भी सेम बात की जा रही है, यहाँ पे भी ऑटोमेशन प्रोवाइड की जा रही है इंटरनल प्रोसेस में और ई गवर्नेंस में भी ऑटोमेशन प्रोवाइड की जाती है इंटरनल प्रोसेस में। ऑब्जेक्टिव्स में हमारा क्या हो जाएगा, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स में हमारा काम होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना, लेकिन ई गवर्नेंस में लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्विसेज क्वालिटी टू सिटीजंस। सिटीजंस के लिए जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड कुछ भी बनाना हो, उसमें उनको एक तरीके से अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जा सके, ये ई गवर्नेंस का मेन महत्व होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ई कॉमर्स में प्रॉफिट कमाना, सेल करना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन प्रोविजन, है ना। तो ई कॉमर्स में जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोविजन होता है उसी तरीके से ई गवर्नेंस में भी इन्फॉर्मेशन प्रोविजन होता है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है ई कॉमर्स में, ई गवर्नेंस भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अपने सिटीजंस को। तो देखो जो मेन जो पहला पॉइंट है वो ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले सॉरी डिफरेंट है, बाकी नीचे वाले पॉइंट जो है वो सेम है। तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। प्रायोरिटी की अगर बात करें तो ई कॉमर्स का जो मेन प्रायोरिटी वो होती है सेफ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ हो और सिक्योर हो, मतलब कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, है ना। और ई गवर्नेंस में प्रायोरिटी होती है मिनिमाइज डिजिटल डिवाइड, मतलब इतने सारे लोग जो कि डिजिटली जुड़े हुए नहीं है, जो कि ऑनलाइन नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन तक किस तरीके से आप सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है
है ना। तो यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड है लोगों के बीच में अर्बन रूरल अलग अलग बेसिस पे, उसको किसी तरीके से खत्म किया जा सके, उस खाई को कम किया जा सके या फिर भरा जा सके। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ई कॉमर्स जो है वो ई गवर्नेंस की तरह ही एक इंटरनेट वेब बेस्ड है प्लॉट प्लेटफॉर्म है, बैक ऑफिस सिस्टम के तहत काम करता है। ई गवर्नेंस में भी सेम होता है, यहाँ पे में इंटरनेट है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है और बैक ऑफिस सिस्टम होता है ना। तो सिमिलैरिटी तो डिफरेंस दोनों एक तरीके से बताए गए। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है ई कॉमर्स में सेंट्रलाइज होती है, मतलब डिसीजन कोई एक आदमी ले रहा होता है, लेकिन ई गवर्नेंस में जो डिसीजन की अथॉरिटी है वो होती है वो डिस्पर्स होती है, मतलब एक व्यक्ति सारे डिसीजन नहीं लेता, जब बल्कि हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं जो कि उन सारे यू नो जो जो नियम हो, जो डिसीजन होते हैं उसको लेते हैं, है ना। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ई कॉमर्स में सेंट्रलाइज होती है और ई गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइज होती है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्पर्स्ड होती है ना। तो डिस्पर्शन ऑफ अथॉरिटी आप ये भी लिख सकते हो। टारगेट ग्रुप आपका, टारगेट ग्रुप आपका क्या है ई कॉमर्स में, टारगेट ग्रुप आपका होता है कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर्स, है ना। ऐसे कस्टमर जो कि ऑलरेडी हैं या पोटेंशियल कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो कि आने वाले समय में आपके कस्टमर बनने वाले हैं, तो ये आपका टारगेट ग्रुप होता है। ई गवर्नेंस के केस में हर एक सिटीजन आपका टारगेट ग्रुप होता है। लेजिस्लेशन की बात करें तो ई कॉमर्स कंप्लीटली फ्रीडम है यहाँ पे, है ना। लेकिन ई गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनका रिस्ट्रिक्टली पालन किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट इनको पालना इनको मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। सर्विसेज क्या है, प्राइमरली ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स में हम लोग प्राइमरली ट्रांजेक्शन जो होती है वही हमारा मेन सर्विसेज है, और ई गवर्नेंस में होता है प्राइमरली इंफॉर्मेशनल, लोगों तक इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जा सके, ये उनका मेन सर्विसेज जो है वो होता है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो ये डेफिनेशन जो डिफरेंस था, डेफिनेशन नहीं, ये जो डिफरेंस था ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस का मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।